हेलो भाई, हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। हमने कल पढ़ा था द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है जो कि कंप्लीट सेंस, जिसका कोई सारांश निकल के आता है, अर्थ निकल के आता है। देखिए एग्जांपल में, हैज़ वन सिस्टर सी। अब ये क्या है, जंबल करके लिख दिया, उल्टा सीधा लिख दिया। पहले ना, पहले क्या लिख दिया, वर्ब लिख दी, फिर नाउन लिख दिया, इस तरीके से उल्टा सीधा कर दिया। कहीं पे पार्ट ऑफ स्पीच लिख दिया, मेक नो सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा। अभी सेकेंड वाला देखिए, सी हैज़ वन सिस्टर, इसमें पहले नाउन प्रोनाउन है, ठीक है, उसके बाद में हैज़ वर्ब आ गई, ठीक है, वन सिस्टर। तो इस तरीके से ये इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि उसकी एक बहन है, ठीक है। तो जिसका अर्थ निकल के आता है बाहर, वही सेंटेंस है, जिसका अर्थ नहीं निकलता वो सेंटेंस नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस की संरचना क्या होती है। एग्जांपल जैसे कि पहले नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन, सॉरी, नाउन से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है और प्रोनाउन से भी स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले नाउन लिखा जाएगा प्लस वर्ब, उसके बाद में अदर पार्ट ऑफ स्पीच। और अगर प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। अब देखिए एग्जांपल में देख लेते हैं, नाउन, यहाँ पे नाउन में रोहित लिखा हुआ है। नाउन से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है, रोहित नाउन है, गोज वर्ब है, टू स्कूल पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। प्रोनाउन से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, देखिए, ही लव्स चॉकलेट, लव्स क्या है, इसमें वर्ब है, ही प्रोनाउन है, चॉकलेट पार्ट ऑफ स्पीच है। इस तरीके से सेंटेंस बनता है कि पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। अब आज का आपका होमवर्क देखिए, आपको इसी तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स, आपको सेंटेंस बनाने हैं इन वर्डों का यूज़ करते हुए। जैसे कि फर्स्ट मैंने बनाया आपके लिए प्रिटी। प्रिटी का मतलब क्या होता है, प्यारी। तो शी इज़ वेरी प्रिटी, वह बहुत ही प्यारी है या सुंदर है, ठीक है, खूबसूरत है। तो शी इज़ वेरी प्रिटी, इस तरीके से आपको भी सेंटेंस बनाना है। फार्मर, आई एम ए फार्मर, या ही इज़ ए फार्मर, ठीक है, इस तरीके से, या मोहन इज़ ए फार्मर, कुछ भी लिख सकते हो आप, सेंटेंस बनाना है आपको। और राइट्स, ही राइट्स लेटर, शी राइट्स लेटर, इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। स्ट्रॉन्ग, ही इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉय, दे आर स्ट्रॉन्ग, है ना, तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। नेस्ट, इट इज़ ए नेस्ट, है ना, इस तरीके से आपको सेंटेंस बना के यहाँ पे लिखना है। ये आपका आज का होमवर्क है, कल मैं इनके आंसर्स आपको बताऊंगी, ठीक है, थैंक यू।